ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती में बॉलीवुड फिल्मों, धारावाहिक एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित दूसरे माध्यमों से बनाए जा रहे कार्यक्रमों से आहत हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को लेकर गहरी चिंता जताई है। हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले दृश्यों को रोकने के लिए उन्होंने सेंसर बोर्ड का गठन किया है, जिसकी कार्यशैली होगी जोको टोको रोको। गुरुवार को माघ मेला के त्रिवेणी मार्ग स्थित शिविर में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि माघ मेले में अपने शिविर में धर्म सेंसर बोर्ड को लेकर गाइडलाइन भी जारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि झोंकने का अर्थ है कि हम पहले अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, यदि बात नहीं बनी तो टोकेंगे और इसके बाद उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलीवुड फिल्मों, धारावाहिक एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित दूसरे माध्यमों से लगातार सनातन धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट, प्रतीक चिन्हों और संवाद का प्रयोग हो रहा है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। उन्होंने कहा कि धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन को फिल्म निर्माता निर्देशकों को पहुंचाया जाएगा ताकि इसका पालन हो। यदि पालन नहीं किया जाता तो धर्म सेंसर बोर्ड के सदस्य फिल्मों के कंटेंट पर निगाह रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम होंगे तो उनको भी हटवाया जाएगा। ऐसी कोई भी चीज जो भारतीय संस्कृति और धर्म परंपरा को खंडित करने का कार्य करेगी, उस पर कार्यवाही की जाएगी। धर्म सेंसर बोर्ड जो है, धर्म परिवेचन सेवालय, ये झोंको टोको और रोको इस सूत्र पर कार्य करेगा। पहले हम उनको अनुरोध करेंगे कि भैया ये ठीक नहीं है, समाज में गलत संदेश जाता है, लोगों को चोट पहुँचती है, पीढ़ियों की धारणाएँ बदलती हैं, ये ठीक नहीं है, पैसा कमाने के लिए पाप मत करो। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि आए दिन समाज में ऐसे दृश्य आम होने लगे जिससे जिनको देखने से, जिनको सुनने से हमारा हृदय जो है विदीर्ण हो रहा था, हमको चोट पहुंच रही थी, तो हमको लगा कि इस पर रोक कहीं ना कहीं से तो लगानी चाहिए। सेंसर बोर्ड पहले से हमारे देश में बना हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें सामने आ जा रही हैं, लोगों को खड़ा होना पड़ता है, आप समझिए कि हल्ला मचाना पड़ता है, फिर सरकारी संपत्ति जो है, सार्वजनिक संपत्ति, उसको क्षति पहुंचती है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, क्या ये देश के लिए अच्छा है, दो लोगों के बीच में दरार पड़ने लग जाती है, तो ये सब अच्छा नहीं है, इसको आगे बढ़ के रोक ही देना उचित समझ करके हमने ये सेंसर बोर्ड बनाया। सेंसर बोर्ड के खिलाफ नहीं है हम, उसका पूरक हैं, जो चीज़ उससे छूट जा रही है उस पर हम अपना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास धार्मिक कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो उस कमी को पूरा हम करेंगे। हम उनके विरोध में नहीं है बल्कि उनके पूरक हैं। रूपरेखा यह है कि इसका एक कार्यालय होगा, इसकी एक पहचान होगी, इसका एक सर्टिफिकेट होगा जो समय पर जारी किया जाएगा, आप पूरे समाज को पता होगा, और जो फिल्म निकल करके आएगी, देखिए हमको कोई फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व तो दिखाएगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में पहली बार जैसे ही फिल्म प्रदर्शित होगी हमारे विशेषज्ञ उस फिल्म को देखेंगे, और अगर उसके अंदर ऐसी कोई बात है जो धार्मिकों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम गलत दृश्य देखते हैं तो गलत दृश्य देख करके चुप रह जाने से हमको दोष पाप भी लगता है, तो हमारा कोई धार्मिक व्यक्ति पापी ना हो जाए, इस मामले में दोषी ना हो जाए, इसके लिए उसको हमको दोष पाप से बचाए रखना जिम्मेदारी है, तो हम तुरंत सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि ये फिल्म जो है ये आपके ना देखने लायक है, इसको मत देखिए, तो वो फिर किसी दूसरी फिल्म को देख करके मनोरंजन कर लेगा, उसको छोड़ देगा। हम उनका कान पकड़ करके या उनके ऊपर डंडा मार के तो मनवाएंगे नहीं, हम अपनी बात ठीक से कहेंगे तो हमको लगता है कि अधिकतर लोग तो समझ करके ही मान लेंगे, और जो फिर भी जिद करेंगे उनके लिए कानून का दरवाज़ा है, उनके लिए समाज है, उनके लिए उनके व्यापार में कमी महसूस करा देना है, आदि आदि बहुत सारे तरीके हैं। वो ये भी कहेंगे कि हमने सेंसर बोर्ड से पास कराया है। हाँ तो ठीक है, पास कराया है, लेकिन फिर भी चुप रही है ना, आपने उसको सिल पर घिस दिया है, अब उसमें नोक नहीं है, फिर भी अगर हमको खरोंच मार रही है तो हम क्या खरोंच खाते रहेंगे कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण नहीं होता है, अगर सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता तो कोई साक्षात्कार ना होते, सर्टिफिकेट आप जमा कर देते हैं उसके बाद साक्षात्कार लिया जाता है कि सचमुच सर्टिफिकेट के अनुसार चीज़ है कि नहीं है, तो सर्टिफिकेट अंतिम नहीं होता है, अंतिम होता है हमारा अनुभव, हमारा अनुभव अभी ठीक नहीं है, हमारा अनुभव खरोंच वाला है, इसलिए हमको बोलने का अधिकार है। पब्लिक कि तुम जाने अनजाने दोष पाप कर रहे हो, तुम भगवान को देख करके हंस रहे हो, तुम जो है ऐसे ऐसे दृश्यों को देख करके चुप रह जा रहे हो, ये अपमान है, ये तुमको दोषी, तुमको पापी बना रहा है, तो तुम काहे को पैसा दे के पाप खरीद रहे हो, ये समझाएंगे तो समझेंगे लोग, ध्यान ना दिलाए जाने के कारण ध्यान नहीं है, ध्यान दिलाते ही देखिए
फर्क पड़ जाएगा। सरकार से नहीं मांग करेंगे इस तरह की कोई भी उधर? सरकार से क्या क्या मांग करें, सरकार से बहुत कुछ। अभी देखिए जोशीमठ में हमारे आपदा आई है, हम मांग रहे हैं कहाँ दे रहे हैं। न्यायालय में भी गए थे, वो कह रहे हैं कि अब आप दूसरी वाली न्यायालय में जाइए। तो सरकारों के पास बहुत सारा काम है जी, उनके पास समय ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें सुने। इसलिए सरकार का सहयोग करने के लिए हम लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। पुलिस ना हो तो स्वयं सेवक लोग जो है ट्रैफिक का मामला देख लेते हैं, बाजार के लोग खड़े होकर के ट्रैफिक को सही करवा लेते हैं आपस में। तो वैसे ही हम लोग जो है चाहते हैं कि सरकार का हम सहयोग कर दें, सरकार ही के पास बेचारे के पास जाएं, कितना काम है उनके, दिन रात काम कर रहे हैं, बताइए। शंकराचार्य ने बताया कि इस धर्म सेंसर बोर्ड के वे संरक्षक हैं और प्रमुख सुरेश मनचंदा हैं। इनके अलावा सदस्यों में पीएम मिश्र, चक्रपाणी महाराज, मानसी पांडेय, तरुण राठी, कैप्टन अरविंद सिंह भदौरिया, प्रीति शुक्ला, डॉक्टर गागी पंडित एवं डॉक्टर धर्मवीर हैं। उल्लेखनीय है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान और सैफ अली खान की आदि पुरुष पर मचे बवाल के बाद उक्त निर्णय लिया गया है।